कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए। भाई राजेश प्रतापगढ़ी को आना है इसलिए कह रहा हूँ, वो तैयार रहें। नाम पहले ले लेता हूँ ताकि लोग एकाएक न आ जाएं, पहले तैयारी किए रहें, क्यों माइक पर पढ़ना बहुत कठिन होता है साथी, ऊपर से यूट्यूब वगैरह का झंझट रहता है, ठीक ठाक से नहीं पढ़े तो पता चला लाइक नहीं आ रहा है, और ठीक से माइक भी नहीं आ रहा उधर लाइक नहीं आ रहा है, पता चला जीरो बैलेंस पे जा रहा है शायर। तो ऐसे में बड़ी इज्जतें फंसी रहती हैं, वो आपके हवाले रहती हैं कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए और लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे मालिक गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए, इश्क में जो करे दगा मुझसे उसकी तबीयत खराब हो जाए। देखिए आपने कितनी बढ़िया तालियां बजाई। राजेश प्रतापगढ़ी मुक्तकों का राजकुमार है, शेर जिसने के शेर लोग चुरा चुरा के पढ़ते हैं उसमें से मेरा भी नाम है, मैं भी उसके शेर जो पसंद आते हैं धीरे से उठाता हूँ कहीं सुनाता हूँ, मगर राजेश प्रतापगढ़ी का खजाना कम नहीं होता। बड़ा शायर है, बड़ा कवि है, आपके बेल्हा का लाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पर जिसने अपनी शायरी अपने मुक्तकों का परचम जगाया, कौमी एकजहती का वो शायर, जोरदार तालियों से भाई राजेश प्रतापगढ़ी को सुना जाए। भाई राजेश प्रतापगढ़ी, आप सबके मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। हमारे मंच पर इस संस्था के संरक्षक हमारे परम मित्र भाई नीरज सिंह बंसी जी, रुक गया एक मिनट भाई, नीरज भाई का नाम नाम ये नीरज सोम बंसी छटक गए संसी बहुत अच्छा है अब... नीरज भाई का नाम तो ऐसा है ये या कि माइक की तार झनझना जाए। ए माइक वाले कहाँ गया हो? देखा तो ससुरे सोई गए लागत पर। चलिए ठीक है, ये वो नहीं, ये सही है, इतना बड़ा कवि बने का फायदा माइक ना कच पकते। अब सही, अंबर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हास्य व्यंग के बहुत बड़े हस्ताक्षर भाई गुक्कत जी बैठे हैं मंच पर, तमाम लोग, सबसे पहले चार मिसरे आपके नाम करता हूँ, इतनी देर से बैठे हुए हैं जी राजेंद्र, कि आप जैसे अगर नहीं होंगे, आप जैसे अगर नहीं होंगे, आप जैसे अगर नहीं होंगे तो फूल पत्ते सजर नहीं होंगे, वाह, आप जैसे अगर नहीं होंगे तो फूल पत्ते सजर नहीं होंगे और लोग तरसेंगे खुशबुओं के लिए गर हवाओं के पर नहीं। वाह, कमाल हो गया भाई, वाह, बहुत 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 अच्छा राजेश, धन्यवाद, आप सबका प्यार मिला बहुत अच्छा। और मित्रों, चार पंक्तियां इस मंच के हवाले से, कलमकारों के हवाले से, शेर ना भुलाया, कि ये जमी बदलेगी और आसमान बदलेगा, ये जमी बदलेगी और आसमान बदलेगा, अरे लेखनी आपकी सारा जहान बदलेगा, और तुम अपने कलम की स्याही न सूखने देना, मुझे यकीन है हिंदुस्तान। कमाल हो गया भाई, बाबा भाई, भाई ये जमी बदलेगी और आसमान बदलेगा, लेखनी आपकी सारा जहान बदलेगा, और तुम अपनी कलम की शाही न सूखने देना, मुझे यकीन है हिंदुस्तान बदलेगा। राजेश भाई वाला शेर न भूलना, राजेश भाई सांप वाला। और हमारे हरदिल अजीज बड़े भाई अनिल साहब बैठे हुए हैं, मैं चार मिसरे उनके नाम करता हूँ, कि आज भी आप लगते हैं कल की तरह। अरे कमाल है यार, आज भी आप लगते हैं कल की तरह,
लहलहाती हुई सी फसल की तरह, और दाग दामन पे कोई लगाए भले, दाग दामन पर कोई लगाए भले, सच कहूं आप हमें गंगा जल की तरह। कमाल हो गया। और मित्रों आइए, बहुत अच्छा। अब चार चार मिस्री आपके नाम करता हूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए आइनुल साहब, आप मुशायरों को इस तरह हर साल चलाते रहें, हम शायरों सामाइनों को बुलाते रहें, और ऊपर वाला आपको इतना खुश रखे, आप हमेशा ऐश्वर्या राय की तरह मुस्कुराते रहें। कि बात बहरे भी अब खुल के सुनने लगे, अमर भाई। हाँ, बात बहरे भी अब खुल के सुनने लगे, वाह। जो अपाहिज थे वो तेज चलने लगे, और इस कदर आ गए अच्छे दिन दोस्तों, फूल भी बेहया के महकने लगे। बहुत अच्छा। इस कदर आ गए अच्छे दिन दोस्तों, फूल भी बेहया के महकने लगे, और जहां पर आदमी नंगे हुए हैं, अमर भाई पूरे मंच का ध्यान चाहूंगा, कि जहां पर आदमी नंगे हुए हैं वहीं फिर देखिए दंगे हुए हैं। जहां पर आदमी नंगे हुए हैं वहीं फिर देखिए दंगे हुए हैं, और जिन हाथों में कबूतर शांत के थे वही अब खून से रंगे हुए हैं। जिन हाथों में कबूतर शांत के थे वही अब खून से। और आमिर भाई, अपने छोटे भाई को, बहुत सारी पूरी कमेटी को जो है मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मेरे भाई के लिए। बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया। और मित्रों, ये लड़का शानदार है, बहुत मेहनत किया। अब रेत पर भी नाव चलाने लगे हैं लोग, अब रेत पर भी नाव चलाने लगे हैं लोग, अब रेत पर भी नाव चलाने लगे हैं लोग, अब हवन में बारूद मिलाने लगे हैं लोग। भाई कमाल है, वाह। अब रेत पर भी नाव चलाने लगे हैं लोग, अब हवन में भी बारूद मिलाने लगे हैं लोग। इंसान को भगवान बनाते तो गनीमत, इंसान को भगवान बनाते तो गनीमत, हैवान को भगवान बनाने लगे हैं लोग। कमाल है, इंसान को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। राजेश भाई बहुत बढ़िया पढ़ा, वाह वाह राजेश भाई, वाह, और शानदार पढ़ रहे हैं भाई राजेश। रेत पर कमाल है, रेत पर नाव कहाँ खेते हैं, वाह। खजूर छांव कहाँ देते हैं, वाह। वो तो बैसाखियों पे चलता है, झूठ के पांव कहाँ होते हैं। हाय कमाल भाई कमाल। वो तो बैसाखियों पे चलता है, झूठ के पांव कहाँ देते हैं, और यहाँ गूंगों की बस्ती में गवाही कौन देता है, यहाँ गूंगों की बस्ती में गवाही कौन देता है। हाँ, यहाँ गूंगों की बस्ती में गवाही कौन देता है, और संसद के मसौदे को स्याही कौन देता है, और जहाँ सत्ता के सिंहासन पे भी धृतराष्ट्र बैठा हो वो दानिश्वर हो या कातिल दिखाई कौन देता है। कमाल है भाई, जहाँ सत्ता के सिंहासन पे भी धृतराष्ट्र बैठा हो वो दानिश्वर। शानदार, शुक्रिया भाई। भाई शेरू भाई है, शेरू भाई को बहुत बहुत भाई, शेरू भाई ये वाला आपको, ए शेरू भाई जरा इसको आप पढ़ लो, ये क्या है, पहले पढ़ लो, धीरे से पढ़ लो। अच्छा, अनिल सिंह समाज सेवी को एक से जरूर पेश करें। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, और कि कयामत बांटता है जो वो दानी हो नहीं सकता, वाह। कयामत बांटता है जो वो दानी हो नहीं सकता, और कभी शैतान की आंखों में पानी हो नहीं सकता। अंबर भाई सुनिएगा, बहुत अच्छा शेर है, कि कयामत बांटता है जो वो दानी हो नहीं सकता, कभी शैतान की आंखों में पानी हो नहीं सकता, और कबीरा का बताया ढाई आखर जो नहीं समझा, भले कुछ और हो लेकिन वो ज्ञानी हो नहीं सकता। क्या बात, कबीरा का बताया ढाई आखर जो नहीं समझा, भले कुछ और हो लेकिन वो ज्ञानी हो नहीं सकता, और इज्जत जो मिली सिर्फ बसो नाम तलक है, इज्जत जो मिली सिर्फ बसो नाम तलक है, और शोहरत भी सियासत के दरोबान तलक है। इज्जत जो मिली सिर्फ बसो नाम तलक है, शोहरत तो शोहरत भी सियासत के दरोबान तलक है जी, एक दरोबान तलक है,
और हिम्मत है तो रात पे कोहराम मचा दे, अरे सूरज तेरी औकात तो बस शांत अलग है। वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हिम्मत है अगर तो रात पे कोहराम मचा दे, अरे सूरज तेरी औकात तो बस शांत अलग है, और कि मेरी कलम की धार है तलवार की तरह, मेरी कलम की धार है तलवार की तरह मैं बिक नहीं सकता कभी लाचार की तरह, और किरदार मेरा चीख करके बोलता है रोज, कुछ लोग मुझे पढ़ते हैं अखबार की तरह। ए, कमाल है भाई पा। किरदार मेरा चीख करके बोलता है रोज, कुछ लोग मुझे पढ़ते हैं अखबार की तरह, और मुल्क की आन बान और शान मत बेचो, मुल्क की आन बान और शान मत बेचो। धर्म के नाम पे गीता कुरान मत बेचो, कसम तुम्हें है किसानों की और जवानों की, कुर्सियों के लिए हिंदुस्तान मत बेचो। कसम तुम्हें है किसानों की और जवानों की, कुर्सियों के लिए हिंदुस्तान मत बेचो, और अगर गीता से मुझको भी जरा सा ज्ञान मिल जाए, अंबर भाई सुनिएगा, अगर गीता से मुझको भी जरा सा ज्ञान मिल जाए और कुरान पाक से भी मुझको गर ईमान मिल जाए, तो मेरा दावा है भारत फिर से होगा सोने की चिड़िया, अगर इंसान के अंदर का वो इंसान मिल जाए। मेरा दावा है भारत फिर से होगा सोने की चिड़िया, अगर इंसान के अंदर का वो इंसान मिल जाए। बहुत बहुत दुआएं अमर भाई आपको। वो वाला शेर आप पढ़ दीजिए। हाँ अच्छा, फरमाइश आ रही है। हाँ आदमी काट ली कि सच कहेंगे तो चेहरा उतर जाएगा, गाय के पढ़ा देखा राजू। अरे सच कहेंगे तो चेहरा उतर जाएगा, उतर जाएगा। और सच कहेंगे तो चेहरा उतर जाएगा, और कौन सा शब्द किस को अखर जाएगा, और हंसते चेहरों के पीछे है इतना जहर, अरे आदमी काट ले सांप मर जाएगा, आदमी काट ले सांप मर जाएगा। और बस दो तीन कथा और है अंबर भाई सुनिएगा। आप सबके एक बार आप लोग तालियां जाकर आदेश कर दीजिए, बस दो तीन मुक्तक और सुन लीजिएगा। कि दिया मिलकर जलाएं हम, वाह तालियां एक बार राजेश भाई के लिए बजा दीजिए, राजेश भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कि दिया मिलकर जलाएं हम लगाकर सबको सीने से, वाह दिया मिलकर जलाएं हम लगाकर सबको सीने से, और सजाना छोड़ दो शोहरत का ये पुतला करीने से, और सड़क से शीश महलों तक दिखाई जो भी देता है, ये सारे दीप जलते हैं किसानों के पसीने से। बहुत अच्छा। सड़क से शीश महलों तक दिखाई जो भी देता है, ये सारे दीप जलते हैं किसाने को पसीने को, और सजाकर पैनलों को अब नए जाबाज मिलते हैं। नया तक है बड़ी कि सजाकर पैनलों को अब नए जाबाज मिलते हैं, लबादा ओढ़ कर खबरों के ये सरताज मिलते हैं, और ये बुनियादी मसाइल पर कभी चर्चा नहीं करते कि शाम होते ही टीवी पे कबूतरबाज मिलते हैं। बहुत अच्छा है, क्या बात है। ये बुनियादी मसाइल पर कभी चर्चा नहीं करते कि शाम होते ही टीवी पे कबूतरबाज मिलते हैं। और मित्रों एक अपने संस्था की तरफ से, मानव जन कल्याण सेवा संस्थान की तरफ से चार मिसरे, और चार मिसरे जो है वो इशारों से कहूंगा, आप समझिएगा। जी जी स्वागत। कि आप वही काटेंगे, आप वही, अरे आप वही काटेंगे जो फसल ये बोई है, आप वही काटेंगे जो फसल ये बोई है, और यार ये विरासत तो
पुरखों ने संजोई है यारी ये विरासत तो पुरखों ने संजोई है और ये अपने पाक दामन को और दागदार मत करना और आप सिर्फ टीवी हो और रिमोट कोई है आप सिर्फ टीवी हो। और आखिरी एक मैसेज देना चाहता हूँ यपुर की इस पाक सर जमी की तरफ से आप सबके मोहब्बत के हवाले से एक मैसेज जाए यहाँ से जी जी। कि इसी अमन की बस्ती में अब न कोई दंगा हो दिल से दिल मिले सबके और प्यार वाली गंगा हो दिल से दिल मिले सबके और नफरतों की नाग फनिया अरे जड़ से काट डालेंगे बस दिलों में भारत हो और हाथ में तिरंगा हो बस दिलों में भारत हो और हाथ में तिरंगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।